हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे सभी हिंदू भाइयों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी को पता है आज 29 सितंबर है और आज से स्टार्ट हो चुका है अमेज़न और फ्लिपकार्ट का सेल। तो आज की वीडियो यानी कि आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन यानी कि 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आपके लिए क्या खास हो सकता है और क्या आपको चीप चीज़ें मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे हमारी वीडियोज़ में। तो कंटिन्यू रहिए हमारे चैनल पर, बने रहिए और देखते रहिए आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। आज की जो हमारी सबसे पहली एलईडी टीवी है और वो बिल्कुल आपके बजट के हिसाब से ही है, आपके पॉकेट मनी के हिसाब से हमने यहाँ पर रिव्यू किया है। जो कलेक्शन हमने यहाँ पर निकाला है एलईडी टीवी का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी तरीके से कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली एलईडी है वो है थॉमसन की R9, जो कि 32 इंच की HD रेडी एलईडी टीवी है। यहाँ पर हम फुल HD की बात नहीं कर रहे हैं। इसकी जो प्राइस है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6,999 रुपये, यानी कि 7,000 की प्राइस में आपको एक ब्रांडेड एलईडी टीवी आपको मिल जाएगा। 32 इंच की एलईडी है, आपको यहाँ पर एक साल की वारंटी भी मिलती है, वो भी आपको मिलेगी ऑन साइट, आपको कहीं पर भी एलईडी उठाकर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब बात करते हैं इसके अदर जो फीचर्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक HD रेडी है और इसमें जो साउंड आउटपुट है वो यहाँ पर आपको मिलता है 20 वॉट का और 60 हर्ट की आपको यहाँ पर मिलती है रिफ्रेश रेट। कैश ऑन डिलीवरी इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 10 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। और आपको यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन भी मिल रहा है इस सेल के चलते, आप यहाँ पर 499 रुपये अगर एड ऑन करते हैं यानी कि टोटली 7,498 रुपये, तो आपको यहाँ पर 3 साल की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि 3 साल की आपको यहाँ पर वारंटी मिलेगी ऑल ओवर LED की, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो 0.1+ ग्रेड का इसमें पैनल लगा हुआ है, जिससे कि आप बिल्कुल क्लोजली अगर किसी सब्जेक्ट को अगर आप देखते हैं फिर भी आपको क्रिस्टल क्लियर आपको इमेज देखने को मिलेगी। इसमें आपको HDMI, USB, PC और जैसे कि बहुत सारी आपको पोर्ट यहाँ पर कनेक्टिविटी जैक आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको VGA जैक भी आपको यहाँ पर मिलता है कनेक्टिविटी, अगर आप अपने PC की करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं अगली LED टीवी की। अगर अगली LED की बात करें तो वो है कोडेक की। इसका जो मॉडल नंबर है वो है X900। इसकी जो प्राइस है वो है 7,499 रुपये। इसमें भी आपको एक साल की वारंटी प्लस आप अगर एड ऑन करते हैं 599 रुपये का, तो आपको यहाँ पर 3 साल का प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। ऑल ओवर जो प्राइस है वो 8,000 की आपको पड़ने वाली है अगर आप एड ऑन करते हैं तो। अगर आप एड ऑन नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 7,499 यानी कि 7,500 आपको पे करने पड़ेंगे इस LED को परचेज करने के लिए। इसमें वही सेम रेजोल्यूशन, सेम क्वालिटी और सेम रिफ्रेश रेट है। कैश ऑन डिलीवरी आपको मिलने वाली है और इसमें भी आपको 10 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। जो हमारी नेक्स्ट LED टीवी है वो नोबल स्क्वाडो करके LED की जो ब्रांड है। बहुत से मुझे लोग पूछते हैं कि सर इस ब्रांड की LED कैसी है, तो मैंने कभी यूज़ नहीं की है पर इसके जो रिव्यू फिर भी ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी है 7500 की आपको पड़ने वाली है 7500 की। इसमें भी आपको सेम फीचर्स मिलते हैं, वही एक साल की वारंटी। और इसमें भी आप अगर एड ऑन करते हैं तो इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। अगर आप एड ऑन करते हैं 599 रुपये का, तो आपको यहाँ पर 2 साल की ही वारंटी मिलेगी, वो भी बाय फ्लिपकार्ट, किसी ब्रांड के थ्रू नहीं, फ्लिपकार्ट के थ्रू आपको यहाँ पर एड ऑन वारंटी मिल जाएगी। इसमें भी 60 हर्ट की रिफ्रेश रेट, 20 वॉट का आउटपुट साउंड, वो ही HD रेडी रेजोल्यूशन, कैश ऑन डिलीवरी और 10 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी। अगर बात करते हैं तो HD यहाँ पर आपको व्यू मिलने वाला है, वैसे HD LED है, SD की नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर HD की बोल रहा हूँ, फुल HD की नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिलने वाला है 178 डिग्री का व्यू एंगल, जो कि बेसिक सी हर LED के अंदर आपको मिलता है। और भी इसमें फीचर्स की बात करें तो इसमें पावरफुल आपको ऑडियो मिलेगा, जो कि 10 वॉट के दो आपको यहाँ पर स्पीकर मिलते हैं, 20 वॉट का आपको यहाँ पर आउटपुट साउंड मिलने वाला है। इसमें आपको मिलने वाले हैं बिल्ट इन गेम, जो कि इसमें प्री लोडेड गेम आपको मिलेंगे। अगर आपके घर पे बच्चे हैं या फिर होने वाले हैं या फिर कभी भी होंगे तो आप उन्हें गेम का मज़ा भी दे सकते हैं। यूनिक डिज़ाइन है यहाँ पर, आप बेजल लेस आपको यहाँ पर LED मिलने वाली है।
और हाई कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन सेल है, यानी कि आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर इमेज देखने को मिलेगी। वैसे बहुत सारे फीचर्स है, इतना हम डिस्कस नहीं कर सकते। वैसे ब्रांड की बात करें तो ऑल ओवर ओके है। अब बात करते हैं इस ब्रांड की, जो कि है बिलियन ब्रांड है और लगभग बाय फ्लिपकार्ट है या नहीं ये पता नहीं मुझे। बाकी इसकी बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो है 8,499, यानी कि 8,500 की प्राइस की ये है एलईडी टीवी। एक एचडी एलईडी है, यहाँ पर आपको मिलती है 12 महीनों की, यानी कि एक साल की लिमिटेड डोमेस्टिक वारंटी, वही वारंटी है मैं जो कुछ ज़्यादा यहाँ पर बोल दिया। और एच डी रेडी यहाँ पर रेजोल्यूशन मिलता है। अगर इस एलईडी को परचेज करेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि इसको परचेज करने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें जो आउटपुट साउंड है वो यहाँ पर आपको मिलता है 16 वॉट का, जो कि बिल्कुल ही कम है। कम से कम 20 वॉट तो यहाँ पर होना चाहिए 32 के हिसाब से। बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो बेसिक से सारे फ़ीचर्स है। एचडी में कुछ इतना बोलने लायक है नहीं, एचडी एलईडी है तो बेसिक से इसमें फ़ीचर्स होंगे। बात करते हैं अगली एलईडी की, वो है माइक्रोमैक्स। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर माइक्रोमैक्स की एलईडी टीवी कैसी है, तो आपको बता दूं, आप देख सकते हैं माइक्रोमैक्स की एलईडी है, वो भी 32 इंच की एचडी रेडी विथ आईपीएस पैनल। आपको यहाँ पर आईपीएस पैनल के साथ ये एलईडी मिलती है, वो भी 8,499 रुपये में। यहाँ पर मात्रा नहीं बोल सकते क्योंकि प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर 500 रुपये। वैसे ऑल ओवर सही है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट साउंड है वो यहाँ पर आपको मिलता है 24 वॉट का, यानी कि अच्छा आउटपुट आपको यहाँ पर मिलने वाला है साउंड का। एचडी रेडी यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिलने वाला है, रिफ्रेश रेट वही 60 हर्ट्ज़, कैश ऑन डिलीवरी और 10 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी। अगर आप करते हैं इसमें 599 का एड ऑन, तो आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट के थ्रू आपको यहाँ पर 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी भी मिल जाएगी। ए प्लस ग्रेड का यहाँ पर आपको पैनल मिलता है, अच्छी क्वालिटी का पैनल है, आईपीएस पैनल है, यानी कि आप किसी भी एंगल से आप देखते हैं। वैसे 178 डिग्री का व्यू एंगल मिलता है, तो इसमें आईपीएस लिखा है। अब देखते हैं परचेज करने के बाद कि भाई आईपीएस पैनल की क्लियरिटी इसमें कैसी है। वैसे आईपीएस पैनल बहुत ही शानदार होता है, आपको मैंने हमेशा से बोला है क्वालिटी के मामले में। और एलईडी अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें डिस्प्ले ही ज़्यादा वैल्यू रखती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स है, सराउंड साउंड है, 5 बैंड इक्विलाइजर है, और USB to USB कॉपी है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि एक बेसिक से फीचर्स हैं। अगली एलईडी की बात करें तो वो है YU by माइक्रोमैक्स, ये भी 32 इंच की और 9,000 की एलईडी टीवी है। और बात करें अगर परचेज करने की, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसे परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एचडी रेडी ही है, इसमें इतना कुछ खास नहीं। अगर इसको परचेज करें उससे बेटर है कि माइक्रोमैक्स को परचेज कर सकते हैं। लास्ट वन जो हमारी है, सातवीं एलईडी टीवी, वो है वीयू की, एक बेस्ट ब्रांड, बेस्ट क्वालिटी। और हमेशा से बोलता हूँ वीयू एक बेस्ट ब्रांड है। वैसे बहुत सारी ब्रांड है, TCL, MI, वीयू, बहुत सी ब्रांड है, सारी अच्छी है, पर वीयू भी एक अच्छी ब्रांड हम बोल सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो है 10,000। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो रुकिए, इसको आप परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी जगह और भी बहुत सारी एलईडी है जो हमारी अगली वीडियो आएगी। अभी जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं इससे 2 घंटे बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको मिलने वाली है स्मार्ट एलईडी टीवी, वो भी 10,000 की रेंज में। तो आप रुकिए, इस एलईडी को परचेज मत कीजिएगा। अगर परचेज ही नहीं करनी तो इसमें फ़ीचर्स की कोई बात है ही नहीं बताने की। वैसे बेसिक से फ़ीचर्स है, इतना कोई इसमें भी खास है नहीं। इसमें आपको एड ऑन अगर आप करते हैं तो इसमें बहुत वी गार्ड का जो है स्टेबलाइज़र, उसी का यहाँ पर एड ऑन है अगर आप करना चाहें तो। बाकी तो एलईडी की प्राइस वही ना 9,999 रुपये है। छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। वैसे बहुत सारी एलईडीज है, सेंसुई, मार्क्यूब और बहुत सी ऐसी ब्रांड है जो कि स्मार्ट एलईडी बिल्कुल चीपेस्ट सस्ती प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर और बाय बाय।